हेलो आवाज आ रही है? अस्सलाम जी सर, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, हाल है? सर ये मुश्किल पेपर आया था आज का, जो मैट्रिक का। पेपर तो बड़ा आसान आसान ही था सर, मैंने उसको समझाया छोटी सिस्टर को, वो कह ना। रही मुश्किल था बहुत। उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुश्किल है। तकरीबन पहले 8 जो मैंने देखे हैं वो तो सीधे सीधे बुक में आए हैं। नहीं, अगर बुक से ना भी हो तो बस थोड़ा उन्होंने वैल्यू चेंज किया, बाकी टेक्निक तो सेम ही होती है ना। मेन तो नहीं, वो टेक्निक कह रहे थे मुझे लॉन्ग में जो थ्योरम था उसमें 2 सर्किल्स कर दिया नहीं, उसके अलावा इतना आसान था, पार्शियल फ्रैक्शन का था। अच्छा, इसके अलावा एक वो 82.8 का था, और एक वो था। अपना पिछले साल वाले से ज्यादा आसान था जो हमें आया था। 7.5 का था। अच्छा बेटा, खैर ना, हम लोग कर रहे थे चैप्टर 8 ना, तो इसका ये क्वेश्चन नंबर ना 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको करवा रहा हूँ, ठीक है? फिलहाल पहले ठीक ये ना काफी एग्जाम में आया हुआ है कि फाइंड अ कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर है। कहने का मतलब यह है कि जब आप इसे एक्सपेंड करते हैं ना, तो जिस जगह पर एक्स की पावर एन होगा उसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपको याद है ना, वेरिएबल्स के साथ जो नंबर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं ना। जी तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन ये है कि पहला ना, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट ये है कि 1 प्लस x² और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² आपने इसका x की पावर n का कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है? तो सर, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें पहले स्टेप में तो ना, आप इसे यूँ करें, जब हम सॉल्यूशन करेंगे 1 प्लस x² ओवर 1 प्लस x² अच्छा उम्र हम इसे यूं लिख सकते हैं ना, 1 प्लस x² और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस x की पावर -2, ऐसा ही है ना, ठीक ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम फार्मूला वो पुराने वाला लगाएंगे कि आपको याद होगा कि फार्मूला ये था कि वी नो दैट 1 प्लस x की होल पावर n, ये होता है 1 प्लस nx प्लस n n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू x² और फिर n n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू x³, ठीक है? इसे हम एक्सपेंड करते हैं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये स्टार्टिंग में 1 प्लस x² तो ऐसे ही आ गया। फिर देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए पहले आ जाएगा 1 प्लस n, n आपके पास है -2 इंटू x, x x है, फिर n -2 n-1 -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x² x x है, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा n -2 n-1 n-2, ठीक है, ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू x³, ये सोन चलता जाएगा, ठीक है? अच्छा अब देखिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x का स्क्वायर, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस -2x, फिर देखिए ये प्लस, ये -2 -2 -1 -3, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है, इंटू x², फिर ये आपके पास आ जाएगा -2 -2 -1 -3 -3 -4 और 3 फैक्टोरियल होता है 3 to 1 इंटू x³, ठीक है? अच्छा अब देखें ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x² और ये 1 -2x। अच्छा देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है? और देखिए ये -(-+3x² आ जाएगा। अच्छा देखिए ये भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 और 2 से 2,
तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए तीन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और 4x³ और ये सो। अच्छा उमर, अब यहाँ पे आप देखें, हमें ना हमें फाइंड करना है x की पावर n का कोफिशिएंट, यानी हमें x की पावर n जो है ना इसके आगे जो नंबर लिखा होगा हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जी x, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। अच्छा आप यहाँ देखिए, अब आपको x की पावर n तो नजर नहीं आ रहा ना, जी अच्छा अब x की पावर n कैसे लेके आएंगे ये अब आपको बताना है, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये कैसे आ रहा है, देखिए आप देखिए जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न देखिए कैसे चल रहा है, देखिए कि अगर मैं यूं लिखूं, फिलहाल 1 + x² लिखा मैंने, अच्छा ये देखिए ये लिखा मैं 1 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस, अब देखिए यहाँ पे -2 है, इस -2 की जगह मैं लिख रहा हूँ -1, यूं लिख सकते हैं ना, -2 की जगह मैंने देखिए ना, नहीं ये जो -2x है ना, तो जी यहाँ लिखा मैंने प्लस और ब्रैकेट में -1 और आगे 2x लिख दिया, देखे ना, प्लस माइनस ठीक माइनस है ठीक हो, है प्लस माइनस जी सर माइनस हो जी जाएगा। अच्छा ठीक फिर देखिए इसके बाद ये लिखा +3x, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ अपनी तरफ से लिख रहा हूँ +-1 का स्क्वायर। अब देखिए -1 की पावर 2 तो नेगेटिव, माइनस की जब पावर 2 तो नेगेटिव प्लस हो जाता है ना, तो पॉजिटिव दोबारा वो 3x² आ जाएगा। हो ये जाएगा ना एक मैं पैटर्न बना रहा हूँ जिसमें x की पावर n आएगा, ठीक है। जी सर, अच्छा फिर देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस, और देखिए फिर आगे लिखा हुआ आपके पास माइनस माइनस फोर फोर एक्स तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ -1 का क्यूब, और फिर देखिए लिख रहा हूँ मैं 4x³, ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ जो पैटर्न चल रहा है ना, आप देखें, अब यहाँ देखिए आपके पास है x, देखे ना यहाँ पे x, यहाँ पर आपके पास देखिए x है, देखिए ये रहा, यानी यहाँ पे देखिए x की पावर 1 ऐसा ही है ना, जी इसके बाद यहाँ पे x की पावर क्या 2 है, दो है फिर x की पावर 3 ऐसा ही है ठीक ना, ऐसा ही है जी ना। अच्छा अब देखिए जो जी x की पावर 3 है इसका जो कोफिशियंट है 4 है, यानी 1 ज्यादा है, जी देखिए देखिए यहाँ पे पावर 3 है मगर नंबर यहाँ पे 4 है, फिर देखिए यहाँ पे पावर 2 है, एक नंबर यहाँ थ्री है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ समझे x की पावर 0 ऐसा ही है ना, जी और यहाँ पे एक नंबर इससे 1 ज्यादा है, इसका मतलब ये जो हम पैटर्न बनाएंगे ना, देखिए आप जो पैटर्न बनाना है वो मैं क्या बनाऊंगा, देखिए 1 + x² देखिए ये लिखा मैंने 1 प्लस, और ये लिखा मैं -1 और ये 2x, ये देखिए -1 का स्क्वायर 3x² और फिर ये -1 का क्यूब और 4x³। अच्छा अब देखिए जो मैं पैटर्न बना रहा हूँ ना, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए जो आखिर में, देखिए जो आखिर में मैं लिख रहा हूँ ना, देखिए क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं x की पावर n, क्या लिखूंगा, एक्स की पावर एक्स एन। अब यहाँ देखिए x की पावर n है, अब कोफिशियंट 1 ज्यादा है, तो यहाँ लिखूंगा मैं n+1, एन एन माइनस प्लस, वन और यहाँ लिखूंगा -1 की पावर n, एन -1 की पावर n, ठीक है ना, ठीक क्योंकि है सर जी देखिए ये देखिए ना, जैसे यहाँ एक्स क्यूब है एन और यानी कि 3 फॉर एग्जांपल 3 एन हो गया तो इसमें n+1 4 कोफिशिएंट हो गया। ठीक जी हाँ सर जी, समझ और देखिए यहाँ पे जो x की पावर 3 n है तो यहाँ -1 की पावर भी 3 है, यानी माइनस माइनस वन की पावर और x की पावर सेम है, ठीक है, ठीक है अगर थ्री है तो 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, मगर जो कोफिशियंट 1 ज्यादा है। अच्छा फिर जी देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे x की पावर n है, अब यहाँ पे 1 x की पावर n कम हो जाएगा, ठीक है, जी और जी यहाँ देखिए यहाँ पे n+1 है, तो n+1 यहाँ पे 1 n आ जाएगा, 1 कम हो रहा है, जी और यहाँ देखिए आ जाएगा -1 की पावर n-1, ठीक है। जी ठीक है अच्छा फिर देखिए अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब x की पावर n है, फिर n+1 है, -1 की पावर n है, अब x की पावर 1 राइट से कम होती जा रही है, अब यहाँ पे x की पावर n-1 है, x की पावर, सर, ये n-1 है तो x के साथ n क्यों आया? अब यहाँ पे देखो जो राइट पे n+1 है ना, 1 कम हो रहा है ना, ठीक है सर एक काम हो रहा है। देखे देखे यहाँ हाँ पे, जी सर समझ गया। देखे ठीक है देखे 4 है तो फिर 3 हो रहा है फिर 2 हो रहा है हाँ, यहाँ पे n+1 अगला है ना जो जो आएगा राइट मैंने किया, n माइनस वन होगा फिर। शाबाश। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, देखिए प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n-2, क्या आ जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस वन की पावर एन माइनस टू, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, आगे बात समझ में। और ये सो ना जो ये है, अब देखिए इसको ना मैं एक दफा यू लिख लेता हूँ ताकि आपको जो ना आसानी रहे। देखिए लिख रहा हूँ मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिख रहा हूँ वन प्लस माइनस वन के माइनस वन इंटू टू एक्स, फिर माइनस वन का स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस वन का क्यूब इंटू फोर एक्स क्यूब, और ये सो ऑन चलता जा रहा है। और फिर प्लस अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो ये ब्लू में माइनस वन की पावर एन माइनस टू और एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस टू, और फिर ये प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस वन और ये एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और फिर माइनस वन की पावर एन और ये एन प्लस वन और एक्स की पावर एन। अच्छा उमर हमें चाहिए एक्स की पावर एन, क्या चाहिए एक्स की पावर एन। अच्छा अब एक्स की पावर एन, अब देखिए यहाँ पे ना हमें हमें वो एक्स की पावर वो चाहिए जिसमें एन है। अब देखिए जो पहले वन है ये वन सबसे मल्टीप्लाई होगा ना जी सर, ये राइट पे सबसे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, मगर हमें वो टर्म चाहिए जिसमें एक्स की पावर एन है, तो ये वन को वैसे सबसे करेंगे, वन को वन से करेंगे, फिर ये माइनस वन से तो वही होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस वन को सबसे करेंगे मगर हमें चाहिए एक्स की पावर एन, इस वन को हम इस आखिर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे सिंस वी नीड कोएफिशिएंट एक्स की पावर एन, देयरफॉर यानी क्या कर देंगे, देखिए जो वन है ना, देखिए ये वन सबसे मल्टीप्लाई होगा मगर हम क्या करेंगे, इस वन को मैं इससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस वन को ना यानी इस वन को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वन को ना मैं थोड़ा आगे समझ में आ जाए आपको, इस वन को मैं ये आखिर वाले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस वाले से, ये देखिए इसमें एक्स की पावर एन है ना जी सर, हाँ तो अब क्या कर देंगे, जब इससे कर देंगे वन को करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन की पावर एन और फिर ये एन प्लस वन और एक्स की पावर एन, ठीक है। अच्छा अब ये एक्स, अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर होगा सबसे मल्टीप्लाई, वन से भी होगा फिर इससे भी होगा माइनस वन से भी होगा, मगर क्योंकि हमें एक्स की पावर एन चाहिए तो ये हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, देखें ये ना इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे इससे, देखिए ना क्योंकि एक्स स्क्वायर है और जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस से मैं पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस टू और माइनस टू ये कैंसिल हो गए, प्लस एन आ जाएगा, आई बात समझ में जी सर, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस वन की पावर एन माइनस टू और ये एन माइनस वन और ये एक्स की पावर देखिए एन माइनस टू और ये मल्टीप्लाई पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास आ जाएगा माइनस वन की पावर एन एन प्लस वन और ये एक्स की पावर एन और ये प्लस माइनस वन की पावर एन माइनस टू एन माइनस वन, और देखिए ये बेसिस से मैं पावर ऐड हो जाएंगे एक्स की पावर एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स की पावर एन, ये माइनस टू प्लस टू है ना, तो ये माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा फिर देखिए अब आप इसे क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर एन और ये एन प्लस वन एक्स की पावर एन, इसे मैं यूं ब्रेक कर सकता हूँ माइनस वन की पावर एन और माइनस वन की पावर माइनस टू लिख सकते हैं ना जी सर, और ये एन माइनस वन और एक्स की पावर एन। अच्छा फिर आप इसे क्या करेंगे, ये लिख देंगे माइनस वन की पावर एन एन प्लस वन एक्स की पावर एन और ये प्लस माइनस वन की पावर एन, इसे आप कौन मिले वन और माइनस वन की पावर टू हो जाए और ये एन माइनस वन और एक्स की पावर एन। अच्छा अब माइनस वन की पावर टू है तो नेगेटिव प्लस हो जाएगा ना, ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन की पावर एन, ये लॉन्ग आता क्वेश्चन एन प्लस वन एक्स की पावर एन और ये प्लस और ये माइनस वन की पावर एन,
ये वन आ जाएगा और एन माइनस वन और एक्स की पावर एन आ जाएगा। अब बताएं उमर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, एक मिनट से, माइनस वन, माइनस वन कॉमन आ रहा है, माइनस वन की पावर एन आ रहा है, माइनस वन की पावर एन और एक एक्स की पावर एन कॉमन आ रहा है, ठीक है जी सर। अब यहाँ पे बच जाएगा एन प्लस वन, क्या बच जाएगा? एन प्लस वन, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास एन माइनस वन, एन माइनस एन माइनस वन। अच्छा आप देखिए ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन की पावर एन और ये एक्स की पावर एन, एन प्लस एन कितना हो जाएगा? टू एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टू एन। अब आप इसे यूं लिख दीजिएगा माइनस वन की पावर एन और ये टू एन और एक्स की पावर एन। अब आप मुझे बताएं एक्स की पावर एन का कोफिशियंट क्या आ गया? टू एन। हाँ तो ये आपका आंसर आ गया, नहीं जो आगे लिखा हुआ ये पूरा आ गया ना, ये आंसर आ गया ना, देयरफॉर या हेंस कोफिशिएंट आर्बिट्रेरी क्वेश्चन एंड ऑफ एक्स की पावर एन इज माइनस वन की पावर एन और टू एन, ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में? जी सर ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं, ठीक है? ये पहला पार्ट इसका, ये नहीं ये सारे इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बताता हूँ ना, शॉर्ट में आएंगे लॉन्ग में सर? ये लॉन्ग में आता है, ठीक है? ठीक है तो अब सर, आपको चैप्टर से 8.3 में से लॉन्ग आता है, 8.3 में से लॉन्ग आता है, और 8.2 से, 8.2 से कम ही आता है, इसी में से आता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब इसका देखिए पार्ट टू थोड़ा इजी है, उसमें ना स्टेप कम करने पड़ेंगे, पार्ट टू में क्वेश्चन लिख लो, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पार्ट टू ये है, पार्ट टू थोड़ा इजी है मगर, अच्छा अब देखिए जो पार्ट टू है ना, पार्ट टू ये आपके पास है वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर फिर ओवर वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? इसे हम सॉल्व करते हैं, ये भी हमने एक्स की पावर एन फाइंड करना। अब देखिए वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा मतलब देखिए डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी ना, वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू है ना। अब यहाँ पे वही पुराने वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि वी नो दैट वन प्लस एक्स की होल पावर एन, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ठीक है? देखिए वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसे तो फिलहाल ऐसे ही आने दें, या इसे हम लिख सकते हैं बाद में खोलेंगे, वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं, वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, देखिए पहले आ गया वन प्लस एन, एन है माइनस टू इंटू एक्स है माइनस एक्स, फिर एन आपके पास है माइनस टू, एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर आपके पास है एन माइनस टू, एन माइनस वन और फिर एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, फिलहाल यहीं तक एक्सपेंड कर रहे। अच्छा अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसे देखिए सॉल्व करते हैं वन और देखिए माइनस माइनस प्लस टू एक्स, फिर देखिए ये प्लस ये माइनस टू, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, टू फैक्टोरियल होता है टू और माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस टू, फिर ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और ये माइनस फोर और थ्री फैक्टोरियल थ्री टू वन और ये माइनस एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अच्छा अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये देखिए वन प्लस टू एक्स, अच्छा ये देखिए दो अपना दो माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये टू से टू कैंसिल कर दें, ठीक है?
तो ये आपके पास आ जाएगा 3x। अच्छा ये भी देखिए कितने माइनस हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी आप कैंसिल करते, देखिए 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2, तो ये आपके पास आ जाएगा +4x³। अच्छा अब देखिए उमर, यहाँ जो पैटर्न चल रहा है ना, देखें ये x³ है और कोफिशेंट एक ज्यादा, ऐसा ही है ना। जी सर, अब यहाँ देखिए पावर 2 है, कोफिशेंट एक ज्यादा है, यहाँ पे पावर 1 है, ये कोफिशेंट ज्यादा है, नहीं, यहाँ देखिए पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x⁻₀ है और ये कोफिशेंट ज्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप चाहें तो x⁻₀ लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती बड़ा। अच्छा तो अब हम इसको पैटर्न बनाएंगे, देखें इसे भी एक्सपेंड कर लें, ये तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1+ab, 1+a² + 2ab और +b². अच्छा अब देखिए यहाँ आप जो पैटर्न चल रहा है ना, देखिए पैटर्न क्या चलेगा, अब ये तो पहले आ जाएगा 1+2x+3x² + 4x³। जो पैटर्न चलेगा ना, पैटर्न क्या चलेगा, देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x⁻n, क्या आ जाएगा, x⁻, और एक कोफिशियंट ज्यादा आ रहा है, एक कोफिशियंट ज्यादा आ रहा है, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x⁻n-1, और एक देखिए यहाँ पे n+1 है, एक कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x⁻n-2। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, जी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, अच्छा ब्लैंक हो गई है। वो क्या था, मेरे क्वालिटी शायद थोड़ी ना लो होगी। देखो आपकी रुक रुक के आ रहा था, अब आ रही है नजर, नहीं सर अभी नहीं आ रही। बिल्कुल जी सर आ गई, सर अब आ गई। अच्छा। अब देखें x⁻n था यानी, और फिर कोफिशियंट एक ज्यादा, तो n+1 और फिर x⁻₁, एक यानी पावर कम हो रही है, कोफिशियंट भी कम हो रहा है, और x⁻n-2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा n-1 आ जाएगा, ठीक है, ये सो चलता है, ठीक सर है। लेकिन ये इसकी चीज है, ठीक है इसमें क्योंकि -1 नहीं आ रहा ना, बस ये तो +1। हाँ प्लस की टर्म में आ रही है। अच्छा अब देखिए हमें क्योंकि x⁻n चाहिए, तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस, सर आप स्क्रीन पे लिखे नहीं, आप लिख रहे हैं, अब लिखेंगे सिंस द रिक्वायर्ड तो मुझे नजर नहीं आ रहा, यानी कि जो आप लिख रहे हैं स्क्रीन में हमें वो भी जाम हो गया। अच्छा अब लिखे, अब आ गए। ये वो आपकी तरफ से होगा, इधर मैं तो ये सही दिन कर तो हो रखा है। सकता है कनेक्शन में तो प्रॉब्लम हो, ले डिले हो रहा है। सिंस द रिक्वायर्ड टर्म्स आर कोफिशिएंट x⁻n, देयरफॉर। अच्छा उम्र देखिए हमें x⁻n चाहिए ना, क्या चाहिए, x⁻, क्योंकि एंड चाहिए पहले 1 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा, मगर हमें x⁻n चाहिए, तो x⁻n आखिर में है ना, तो जी। ये हम लिख देंगे n+1 और x⁻n लिख देंगे। अच्छा फिर देखिए जब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे x⁻n-1 है, x⁻, n-1 तो मगर जब यहाँ पे देखिए जब x⁻1 से करेंगे, देखिए नहीं ये रहा ना 2x मल्टीप्लाई बाय n और x⁻n-1 से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 1 है ना, तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, n आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हेलो, जी सर, ठीक है अच्छा फिर देखिए x² को जब करेंगे तो x² को इससे करेंगे, ये देखिए x² और ये देखिए n-1, यस से और ये करेंगे, x एन एन माइनस की पावर एन n, माइनस टू से। ठीक हमें उससे मल्टीप्लाई करना ताकि x⁻n बन जाए, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये अब आपके पास आ गया n+1 और x⁻n आ गया, फिर देखिए +2n और ये देखिए x⁻1 और2x से किसका x⁻n, मल्टीप्लाई किया है? 2x को इससे किया ना, n और x⁻n-1 से, क्योंकि देखिए इसका कोफिशियंट x का वन कोफिशियंट है 1 है ना, और ये जी सर, एन एन ठीक माइनस वन, तो -1 +1 एन बच जाएगा, ठीक है। है ठीक है।
तो ये टू एन एक्स की पावर एन आ जाएगा, और फिर देखें जब एक्स स्क्वायर को करेंगे, ये एन माइनस वन और एक्स की पावर टू और ये एन माइनस टू, तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल, तो एक्स की पावर एन आ जाएगा, एक्स की पावर एन आ जाएगा। अब बताएं सब में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स की पावर एन कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ बच जाएगा एन प्लस वन, यहाँ बच जाएगा टू एन, और यहाँ पर एन माइनस वन आ जाएगा। अब ये देखिए प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया एक्स की पावर एन, देखिए टू एन और ये एन और ये प्लस फोर एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा फोर एन और एक्स की पावर एन। अब एक्स की पावर एन का कोफिशियंट फोर एन है, तो अब इसका आंसर लिख लेंगे हेंस या देयर फोर कोफिशियंट एक्स की पावर एन इज फोर एन, तो ये आपका आंसर। समझ नहीं, यहाँ से समझ नहीं आया है। तो जी आपने एक्स एन को कॉमन लिया, जी तो ठीक है सर, ठीक ये एक्स एन देखे सब मैंने इसमें भी है, है, इसमें भी है, ठीक जी सर, है। ठीक तो पहले मैन प्लस वन बच जाएगा, दूसरे में टू एन बच जाएगा, तीसरे मैन माइनस वन बच जाएगा, एन प्लस फोर एन वन हो माइनस गया। वन कैंसिल, और चार फोर एन है तो फोर एन। अब हमें एक्स की पावर एन का कोफिशियंट चाहिए, तो फोर एन को पहले लिख देंगे, एक्स की पावर एन को बाद में लिख देंगे, ठीक है। ठीक अच्छा अब देखें ये बिल्कुल, कौन अच्छा बिल्कुल ना, ये जो इसका पार्ट जो है ना, ये थ्री भी ऐसे ही है। पार्ट थ्री भी क्या होगा, अब देखिए वन माइनस एक्स की पावर, ये भी बढ़ जाएगा माइनस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस टू, मगर यहाँ पे क्योंकि वन प्लस एक्स का क्यूब है, इसको जो है ना एक टर्म और भी आगे तक एक्सपेंड करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस टू है ना, तो इसको एन माइनस इन एक्स की पावर एन माइनस थ्री और एन माइनस थ्री तक करेंगे। नहीं देखिए ये जो है ना, देखिए जो इसका है ना, जो पार्ट आपका है ना, देखिए जो पार्ट है ना थ्री थ्री में, बस आपने ये याद रखना है, देखिए वन प्लस एक्स का क्यूब है डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको तो वैसे जरा ऊपर ले जाएंगे तो इससे ऊपर ले जाएंगे वन प्लस एक्स का क्यूब, वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू। अच्छा बताने का मकसद ये है कि जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे ना, यहाँ फॉर्मूला लगेगा, आपको याद होगा ए प्लस बी का होल क्यूब ना, ए प्लस बी का होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो जब आप इसे, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे ना, कि आपके पास आ जाएगा ए क्यूब वन प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ए थ्री ए वन है, वन का स्क्वायर वन, और बी एक्स है, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स, फिर थ्री ए स्क्वायर बी, ए वन है और बी एक्स है, तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी क्यूब एक्स का क्यूब। अच्छा आप देखिए क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे ना, देखिए ये सेकंड वाले को, देखिए पहले आ गया वन प्लस एन एक्स, एन है माइनस टू इंटू एक्स माइनस एक्स, ठीक है, फिर एन माइनस टू, एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एन माइनस टू और माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल और एक्स क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास आ गया वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये तो क्या जाएगा वन, ये माइनस वन प्लस टू एक्स। अच्छा लेकिन ये भी आपका, देखिए ये टू से टू फैक्टोरियल टू होता है, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये अपना कितने माइनस हैं, तीन माइनस है ना, एक माइनस ये और एक माइनस ये, दो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए ये तो आ जाएगा माइनस टू, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और ये माइनस फोर, और थ्री फैक्टोरियल थ्री टू वन, और ये माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। आ रहा जी समझ सर, में, अच्छा वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, और देखिए ये कैंसिल कर देते हैं हम लोग,
से टू, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री और टू से टू, और देखिए कितने माइनस है, चार माइनस है, वन टू थ्री फोर, तो ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स क्यूब। देखिए इससे भी जब हम एक्सपेंड करेंगे, एन टर्म तक करेंगे ना, क्योंकि ये चलता जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर थ्री है, कोफिशियंट फोर है, एक्स की पावर टू है, कोफिशियंट थ्री, यानी एक कोफिशियंट यानी पावर से एक ज्यादा है, ऐसा ही है ना। तो इसे हम यूं करेंगे, वन प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और देखिए वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री। अच्छा अब देखिए यहाँ पे जो आखिर में हम करेंगे ना, देखें आखिर में हम टर्म लिखेंगे, देखिए वो क्या करेंगे, देखें एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, और एक यानी कोफिशिएंट एक ज्यादा, ऐसा ही है ना। ठीक है, हेलो जी सर, ठीक है, कोफिशिएंट एक ज्यादा है, ठीक है जी, कोफिशिएंट यानी यहाँ वाले करो एन प्लस वन आएगा, एक्स की पावर एन एन प्लस एन प्लस वन, एक मिल गया ना, दूसरे में x की पावर n माइनस वन और n, ऐसे ही सर जी जी। देखिए क्या आपके पास है, x की पावर n है और n प्लस वन, x की पावर n माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है, यानी यानी क्या एक एक पावर कम होती जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस टू आ जाएगा, यहाँ पे n माइनस वन आ जाएगा, और फिर यहाँ पे देखिए x की पावर n माइनस थ्री, क्योंकि x क्यूब है ना, और यहाँ पे आपको बताया गया n माइनस टू आ जाएगा, ठीक है जी सर। अच्छा अब हमें चाहिए x की पावर n, तो पहले देखिए जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये आखिर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही है ना जी सर। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा x की पावर n से, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस वन और x की पावर n आ जाएगा। फिर हम देखें 3x को मल्टीप्लाई करना है, तो 3x मल्टीप्लाई होगा देखिए x की पावर n माइनस वन से, क्यों कि यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ देखिए आ जाएगा 3x और ये आपके पास आ जाएगा n x की पावर n माइनस वन, चलिए मैंने पूरा लिख दिया। अब 3x स्क्वायर को करेंगे, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इससे, देखें 3x स्क्वायर और ये n माइनस वन और x की पावर n माइनस टू। अब x क्यूब की बारी है, x क्यूब होगा ये आखिरी वाले से, इससे x क्यूब और मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू और x की पावर n माइनस थ्री। अब देखिए आ जाएगा n प्लस वन x की पावर n, अब देखिए थ्री n, अब यहाँ पे देखिए x की पावर ये 1 है और ये n माइनस वन, तो क्या बच जाएगा x की पावर n आ जाएगा, ऐसा ही है ना। अच्छा फिर देखिए आ जाएगा थ्री और ये n माइनस वन आएगा, और ये देखिए x की पावर टू और ये x की पावर n माइनस टू, x की पावर n बच जाएगा, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा n माइनस टू और ये x की पावर थ्री और x की पावर n माइनस टू, x की पावर n आ जाएगा। अब इन सब में x की पावर n कॉमन आएगा, x की पावर n कॉमन आएगा, अब यहाँ बच जाएगा n प्लस वन, ठीक है, पहले वाले में n प्लस वन, सेकेंड वाले में बच जाएगा थ्री एन, ठीक है, थर्ड वाले में बच जाएगा थ्री एन माइनस वन, ठीक है, और फोर वाले में बच जाएगा एन माइनस टू, ठीक है, ये बचेगा सर। एक्स की पावर एन तो आपने कॉमन ले लिया ना, अच्छा अब ये एक्स की पावर एन ये आ जाएगा एन प्लस वन, ये थ्री एन, थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं थ्री एन माइनस थ्री और एन माइनस। अच्छा अब ये देखिए आपके पास ये, ठीक है जी, तो ये आपके पास यानी ये कटिंग हो जाएगी ना जी। अब देखिए ये n 3n 3n और 3n कितना हो जाएगा 6n 6n और n 7 और एक 8n 8n और फिर देखें माइनस 3 और ये माइनस माइनस से माइनस टू माइनस 5 और प्लस 1 माइनस 4, ठीक है, इसको हम यूं लिख देते हैं 8n माइनस 4 और x की पावर n। अब x की पावर n का कोफिशिएंट ये आ गया, ठीक है, अब हम इसका आंसर लिख लेंगे, हेंस या देयरफॉर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज 8n माइनस 4।
ठीक है। अच्छा अब देखिए जो फोर वाला ना, ये अब आपको बताना, फोर वाले में ना एक स्टेप एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है, वो अब आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए जो है ना फोर वाला है, फोर में ना आपको इसमें थोड़ी सी टेक्निक अलग है, एक स्टेप इन एक्स्ट्रा आता है, वो आपको सिखा। अब देखिए फोर है पार्ट, इसका फोर ना, फोर में 1 + x का होल स्क्वायर, बस हमें आपने वो पैटर्न बनाना, ठीक है ना, और ठीक है सर। 1 - x सर का होल। वन थोड़ा तो मुख्तलिफ है, बाकी सारे ऐसे ही हैं। जी, अब ये फोर थोड़ा डिफरेंट है, फोर फाइव तो बिल्कुल सिंपल सा है कि स्टेप का है, अब फोर में एक स्टेप एक्स्ट्रा था, वो अब आपको सिखाना है कि वो उसमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपके पास ना पार्ट इसका ना जो फोर है 1 + x का होल स्क्वायर।